हेलो दोस्तों, आज हमने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बाय करा है माइक, और इस माइक में क्या कहाँ फीचर है और कैसे ये माइक काम करता है सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये अमेजिंग माइक है और ये बोया M1 हमने बाय करा है और इसका हम अभी आपको रिव्यू देने वाला हूँ। ऐसे मैंने पहले बता रखा था कि जो भी चीज़ आप हम अपने एजुकेशनल चैनल के लिए बाय करेंगे तो उसको रिव्यू जरूर करें। और किस प्रकार से ये अनबॉक्सिंग वीडियो आपको लगता है आप कमेंट करके बताएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। दिस इज राहुल एंड यू वॉचिंग आरके स्टडीज। ये कोई अनबॉक्सिंग का चैनल नहीं है, बट हम कर रहे हैं ये जोर जबरदस्ती एक प्रकार के, मान लो मैं अपने से कर रहा हूँ, बट ऐसा मुझे कुछ आता नहीं है। तो चलिए इसको खोलते हैं क्या कहाँ है और फिर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। बोया M1 का माइक है, अच्छा माइक है, मैंने बहुत सारे रिव्यू देखा था इसका। ये है माइक, अच्छा उल्टा है क्या, दिस इज ये माइक है, ओके, और अच्छा माइक है, ठीक है। और ये इसका कुछ तो नहीं है, चल भाई तू निकल, ओके, दिस इज माइक। और इसको हम खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले ये यूजर मैनुअल, जो कि कोई नहीं पढ़ता है, बस ये शो के लिए होता है, मतलब मेरे हिसाब से शो के लिए होता है, कोई पढ़ता नहीं है इसको, यूजर मैनुअल कोई नहीं पढ़ता, बस ये शो के लिए होता है, ठीक है। बिल है कितने का पड़ा, लास्ट में बताएंगे आपको हम। और ये कुछ है, इसको देखते हैं, जाइए। फिर ये हमारा सबसे मेजर चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये हैं, एंड ये सारी चीज़ों को देख लेना है क्या कहाँ है नहीं है, इसे हम सब कुछ बता देते हैं क्या कहाँ है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं इसमें, चलिए इसको हम सेट करते हैं। और मेन जो मेरा है उसका माइक, उसको देख लेते हैं, आइए। और माइक खोलने से पहले इसको देखते हैं इसमें है क्या क्या। एक ये पिन मिल जाता है, जो कि आपको अगर DSLR कैमरा है तो कैमरा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं साथ में इसको पिन करके। और इसका स्पॉन्ज है जो कि नॉइज़ को कम करता है, साथ में ये पिन दे दिया है इसका, देख लेते हैं इस पिन को, ये पिन है। और साथ ही साथ एक छोटा सा सेल है ये, अब ये सेल कहाँ लगेगा क्या कहाँ है सबका बता रहे हैं। और ये मेरा मेजर चीज़ें हैं, माइक जो मेरा बोया M1 है, इसका हमने काफ़ी सारा रिव्यू देखा है और बहुत ही प्रचलित है इंडिया में, लगभग लगभग यूट्यूबर यही माइक का यूज़ करता है अभी। इसका वायर काफ़ी लंबा है, इसका वायर का लेंथ बहुत अच्छा है, आप अच्छा खासा जो है कि दूरी में आप अपना वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि अभी जो वीडियो बना रहे हैं हम उसे, ये वीडियो हम कोई माइक वैक से नहीं, बस हम एयरफोन का यूज़ करके हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में जो माइक था, ये दिखाते हैं अभी आपको, हमारे पास जो माइक था ये वाला माइक था, ये वाला जो काफ़ी बड़ा नहीं है, मतलब छोटा सा माइक है, जो कि वीडियो के साथ वो लेंथ ही नहीं बन पाता था इसका, जो बहुत ही छोटा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं था ये, शायद हम लिए थे 200 कुछ रुपये में लिए थे ये, मतलब बस पैसा सद गया इसका, कल काम का नहीं है। मैंने बहुत सारा जूम क्लास इसी से लिया है, सारा ऑनलाइन क्लासेस हम इसी किए हैं, तो अब ये वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए हमको ये लेना पड़ा, तो इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है जी। आइए, मेरा मेन माइक ये है। और इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ फंक्शन, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, ये एक ऊपर स्लाइड है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि ऊपर का बटन है, ऊपर करने बाद कैमरा और नीचे में लिखा, बीच में करेंगे तो ऑफ हो जाएंगे, और सबसे नीचे जो स्लाइड करना है ये है स्मार्टफोन के लिए, अगर आप स्मार्टफोन से आप कैमरा वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपके लिए नीचे ये करना पड़ता है। इसमें क्या क्या स्थिति है, नीचे यहाँ कुछ यहाँ सेल लगता है, तो ये सेल यहाँ इसको पुट कर देना है, लेकिन हम कैमरा से नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन से शूट करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन यूज़र के लिए ये बैटरी लगाने कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका ऐसे से जो है कि काम करेंगे, हमने इसको बाय किए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है, और इसका आवाज़ साउंड क्वालिटी हम आपको टेस्ट करवा देते हैं, ये क्या कहाँ है इसको, अभी देखिए अब ऐसा आवाज़ है, और हम इसको लगाते हैं और फिर हम दूर हट जाएंगे यहाँ से, फिर इसका कैसा साउंड वाउंड है वो हम चेक कर लेंगे। काफ़ी बड़ा इसका वायर है, और ये स्पॉन्ज इसमें लगा देते हैं, और ये इसका पिन है, क्योंकि ऐसे इसमें लग जाएगा ऐसे इस प्रकार से, ताकि आप इसको आराम से कॉलर पे आप जहाँ पे लगाना चाहें इसको ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास DSLR है तो आप इसको ऐसे इसमें पिन करंट का और DSLR में लगाना है, और इसी से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। DSLR में लगाना है तो आपको इसमें बैटरी लगाने पड़ेंगे, ठीक है।
इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। आइए चेक करते हैं भैया। अभी हम इसका हटा दिया है और अभी देखिए आपका आवाज क्वालिटी कैसा, हमने एयरफोन को हटा दिया हुआ है, ठीक है। और इसका साउंड क्वालिटी आप देख सकते हैं कैसा, हमने एयरफोन को पूरा रिमूव कर दिया हुआ है और अब इसका साउंड क्वालिटी देखिए। और हम अब ये हम इस माइक को यूज करने वाले हैं और देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। और ये स्मार्टफोन पर करना है, देखिए ये अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये आवाज़ क्या है, हमारा बोया M1 माइक का है। इसका माइक का काफ़ी हमने नाम सुना था और काफ़ी सारा रिव्यू देखे थे और ये अमेजिंग वॉइस रिकॉर्ड करता है। और हमारे क्लास के लिए ये होता था कि जब छोटा वायर होता था तो हम ले नहीं पाते थे या हमें बोर्ड के पास मोबाइल को रखना पड़ता था फिर शूट करते थे। तो ये है कि आप आराम से जो है कि हम कहीं भी आराम से करके हम शूट कर सकते हैं और ये माइक भी बेस्ट है, ठीक है। तो ये वाले हमने दिखा दिया क्या क्या स्थिति है, क्या इसका वॉइसेज है, क्या कहाँ है, और बहुत अच्छा माइक है ये। अगर आपको इसी को बाय करना है तो आप अमेजोन पे जाकर उसको बाय कर सकते हैं, इधर आपको लिंक विंक नहीं मिलेगा। और इसका प्राइस कितना पड़ा है वो मैं बता देता हूँ, और इसका जो प्राइस पड़ा था वो पड़ा हुआ है 779 रुपीज़। 779 रुपीज़ इसका प्राइस पड़े हैं और इसका प्राइस बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें हैं और अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।